नमस्कार दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। उसे पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का दे दिया गया था। 19 साल की अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। सोशल मीडिया पर गुमशुदा के पक्ष में कैंपेन चल रहे थे। हालांकि अभी तक युवती का शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही है, मगर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि 18 तारीख की रात में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलकित आर्य ही उस रिजोर्ट का संचालक था जहाँ अंकिता काम करती थी। युवती के लापता होने के बाद से रिसोर्ट संचालक और मैनेजर फरार हो गए थे। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के पास एक प्राइवेट रिसोर्ट है, उसमें श्रीकोट गांव की एक लड़की काम करती थी। वह 5 दिनों से गायब चल रही थी। यह इलाका राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि राजस्व पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी, जो बीते दिन ही रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुई है। 24 घंटे में लक्ष्मण झूला पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट गांव निवासी अंकिता भंडारी गंगा भोगपुर के निजी रिसोर्ट में कुछ महीने से रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। रिसोर्ट के संचालक पुलकित आर्य ने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी एक अलग कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसी के चलते 18 सितंबर को उसे ऋषिकेश घुमाने के लिए ले गए थे। उन्होंने आगे बताया कि देर रात वहां से वापस लौट आए। इसके बाद रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सभी लोग सोने के लिए गए, मगर 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की जाँच में यह कहानी झूठी पाई गई है। दूसरी तरफ अपनी बेटी के गायब होने की सूचना पर उसके पिता गंगा भोगपुर पहुंचे। इस दौरान युवती के परिजनों ने रिसोर्ट में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। इस दौरान सभी ने अलग अलग बातें बताई। इसके बाद रिसोर्ट संचालक और कर्मचारी संदिग्ध भूमिका को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई है। तो दोस्तों, फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अंकिता भंडारी के कातिलों को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।